Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Word Style. Assalamualaikum Master Sahab. Waalaikum Assalam. Master Sahab, आज हमारे viewers को आप क्या सिखाएंगे कटिंग? आज मैं viewers को सादे अभाए मैक्सी की कटिंग सिखाऊंगा, जो सादी सीधी मैक्सी होती है उसकी मैं आपको कटिंग सिखाऊंगा किस तरह से इसकी कटिंग होती है। जी, ये देखिए इसकी स्लिप। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका कपड़ा इस तरह से खोल कर इसको हमें इसकी लेंथ नापनी है। इसकी लेंथ है 53 लेंथ। ये देखिएगा इस तरह से, ये 55 हमें निकालना है कपड़ा इसका। इसकी लेंथ जो है ना 55, इसका कपड़ा हमें लेना होगा 3 गज। 3 गज? जी, 3 गज में। कितना होगा इसका अर्ज? इसका होगा 2 गज का अर्ज। 2 गज का जी, 2 गज का अर्ज में भी बन जाएगा, ये 2.25 गज के अर्ज में भी बन जाएगा, क्योंकि जिस जैसा फ्लेयर होगा उसके हिसाब से बनेगा। अब इसका फ्लेयर कम है। और ये फैब्रिक कौन सा है? ये निदा फैब्रिक है। ये निदा फैब्रिक? जी जी। तो ये हमें 3 गज कपड़ा लेना होगा। वीडियो बनाई थी उसके लिए? जी व्यूअर्स, कल जो वीडियो बनाई थी उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं था, तो इस वजह से आपकी दोबारा से मैं आपको इसकी कटिंग बता रहा हूँ। कल जो बताई थी वो फ्रंट ओपन था, आज जो बता रहा हूँ मैं आपको ये मैक्सी है। तो वो लाइफ की वजह से कुछ उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, इस वजह से ये दोबारा से आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। जी अच्छा मास्टर साहब, ये देखिए हमें 3 गज कपड़ा चाहिए इसके लिए। 3 गज चाहिए? जी। अच्छा, यानी आपने ये 2 लेंथ? जी जी, इसकी लेंथ है 53, तो 55 हमें रखना है इसको, ठीक है? 55 कपड़ा रखना जी, 53 लेंथ है इसकी। और 2 इंच ऊपर आपने कपड़ा ज़्यादा फाड़ा है ताकि उसका दबाव, दामन से भी दबाव जाएगा इसका, दामन हेम होता है ऊपर, शोल्डर से भी दबाव जाएगा इसका, इस वजह से 2 इंच कपड़ा इसका ज़्यादा रखना पड़ता है, जो लेंथ है उससे 2 इंच कपड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, ये आप जो है अब ये अपना अर्ज को डबल कर रहे हैं? जी, ये देखिए ये कपड़े का अर्ज है, इसको हमने डबल किया। अच्छा, ये इस तरह से इसको डबल करके इसको फोल्ड करना है हमें, फ्रंट बैक दोनों एक साथ। ये देखिएगा, ये व्यूअर देखें आप, ये डबल किस तरह, ये देखिए इस तरह से इसको डबल कर कर इस तरह बिछाना है, इस तरह से इसको सीधा बिछाना है। देखिए फ्रंट बैक को बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर कर कर इसको, कहीं से ऊपर नीचे नहीं हो, छोटा बड़ा नहीं हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा मास्टर साहब, आप हमें भी कटिंग सिखाएं? जी, आप तो माशाल्लाह उस्ताद हो, उस्तादों के उस्ताद हो, माशाल्लाह आपसे तो हम सीखते हैं, हम आपको कैसे सिखा सकते हैं, मैं खुद आपसे कटिंग सीखा हूँ। अच्छा मास्टर साहब, अब क्या करना है? ये देखिए, ये हमने फ्रंट बैक बिल्कुल सीधा बिछा लिया इसको, ठीक है? अब सबसे पहले हमें इसकी लेंथ नापनी है। ये देखिए, ये हमने 2 इंच का जो दबाव छोड़ा है व्यूअर्स, ये देखिएगा इस तरह से हमने ये निशान लगाना है इसका, नीचे दामन फोल्ड करने के लिए। 53 इसकी लेंथ है, ये देखिएगा 53 पे, ये निशान के ऊपर, 53 के ऊपर। अब यहाँ से हमने निशान ये 53 का लगा दिया है, ये देखिएगा व्यूअर्स, 53 के ऊपर हमने ये निशान लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से सीधा निशान लगा दिया। अब इसका आर्म होल का हमें निशान लगाना है। आर्म होल का कितने इंच पे लगेगा ऊपर से? ये व्यूअर्स फिटिंग के हिसाब से होता है, ये नॉर्मल साइज़ है, इसकी फिटिंग है 22, तो इसके हिसाब से हमें 9 इंच, ये देखिए 9 इंच जी ऊपर से, 9 इंच के ऊपर रखना हमें ये, ठीक है? और इसकी वेस्ट का निशान लगाना हमें 15, निशान 15 के ऊपर लगाना है जी, 15 इंच पे लगाना है, 15 इंच जी। और हिप्स का निशान लगाना हमें ये 55 इंच, 25 इंच हिप का निशान लगाना है ये भी बस। ये तीनों निशान लगाने के बाद हमें इन निशानों को स्केल से सीधा करना है, ये देखिएगा।
ये देखिए तीनों निशान हमने सीधे कर लिए। अब सबसे पहले जो हमें शोल्डर का नाप रखना है इसका, ये देखिए 16 इसका शोल्डर है, तो 16 का इसका हाफ हो गया 8, 8 के ऊपर हमने निशान लगाया। अब ये कितने पे? अच्छा यहाँ से रिवर्स ये देखिएगा, हमें आधा इंच कम रखना है, यहाँ से हमने 8 इंच रखा था, यहाँ से हमने 7.5 इंच रखना है। ये देखिएगा ये 7.5 इंच हमने निशान रख दिया है। उसके बाद जो है रिवर्स ये इसकी फिटिंग का नाप है 22 इंच, तो 22 का हाफ हो गया 11 इंच। ये देखिए जी 11 इंच के ऊपर हमने निशान लगा दिया इसका। मज़ीद अगर इससे बढ़ाना चाहो नाप के ऊपर होता है, जैसा तो जैसा साइज़ हो, 24 हो साइज़, 26 हो, 25 हो, वो यहाँ से ये चीज़ बढ़ जाती है। और मास्टर साहब ये शोल्डर भी बढ़ेगा ना? शोल्डर भी जब ये फिटिंग का साइज बढ़ेगा तो शोल्डर भी बढ़ेगा, शोल्डर भी बढ़ेगा, शोल्डर भी बढ़ेगा, 16 के बजाय 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो इसका इधर से बढ़ जाएगा ये नाप इसका। ठीक है, और जो ये आपने निशान लगाया है ऊपर से ज़रा बताएंगे दोबारा? ये देखिएगा, नहीं नहीं लंबाई में जो आपने लगाया, ये लंबाई में हमने निशान लगाया है। साइज बड़ा होगा, अगर साइज बड़ा होगा इससे ये भी निशान हम 10 पे लगाएंगे, 10 पे भी लगा देंगे, 9.5 पे लगा दिया, 10 पे लगा दिया, मजीद निशान इसका, फिर यहाँ से कमर के निशान है, इधर से भी बढ़ाना होगा। जो वो ज्यादा निशान की सेटिंग है ये तीन चीज़ों से होती है, ये दो चीज़ों से ऊपर, एक शोल्डर से होती है, इधर से फिटिंग का जो नाप है यहाँ से होती है, मेन जो चीज़ है लंबाई वगैरह कमर की और फ्लेयर वगैरह वो आप बढ़ा सकते हैं वो, बाकी साइज मेन साइज ये होता है, मेन साइज ये होता है। जी हाँ ठीक है व्यूअर्स, अब इसका 21 इसकी आपने जो मालूमात हासिल करनी थी वो यही है कि यहाँ से आप ऊपर से ये चीज़ का ख्याल रखें, साइज़ बढ़ाना है तो वो अगर आधा इंच शोल्डर बढ़ाएंगे तो आधा इंच इधर से बढ़ाएंगे, यानी साइज़ के हिसाब से बढ़ता जाएगा। अगर बड़ा साइज़ है तो वो 9 के बजाय 10 कर लें, 10 इंच पे ये निशान लगा लें, सेकंड निशान। ठीक है, कमर का ये निशान हो गया तीसरा। ठीक है, अब ये इसका क्या साइज़ अब है? ये इसका कमर का साइज़ है 21 इंच, 21 का हाफ हो गया 10.5 इंच, 10.5 इंच। जी ये देखिए निशान लग गया सही। अब इसकी हिप का निशान है 28, 28 का हाफ हो गया 14। ये देखिए जी हमने 14 जी, अब इसका फ्लेयर है 14, 14 का हाफ 20। अब देखें व्यूअर्स ये देखिए जो है आप ये कर सकते हैं कि ये जो है जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, उसने 40 इसका फ्लेयर मांगा यानी दामन, तो आप चाहें इसको और भी बढ़ा सकते और भी मजीद इसको बढ़ा सकते हैं। हम इसको देखें इस तरीके से 50 भी बन सकता है इसका दामन, ये देखिएगा 50 दामन चाहे आप जितना चाहें इसको फ्लेयर को बढ़ा सकते हैं आप, यानी ये 2 गज का अर्ज है इसका। जी इसका 1.25 गज का अर्ज है इसका, तो यानी इसमें मैक्सिमम कितना निकल जाएगा दामन? 55 इंच निकल जाएगा इसका दामन, 55 इंच दामन निकल जाएगा, यानी ऑल राउंड हो गया 110 इंच दामन इसका ऑल राउंड निकल जाएगा। हाँ व्यूअर्स, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा टाइम की हो रही है, लेकिन इसका मकसद यही आपको सब समझाना ताकि आपके हर चीज़ समझ में आए। अच्छा मास्टर साहब, अब क्या करना है? अच्छा, आपने फ्लेयर का तो बता दिया। जी फ्लेयर का बता दिया, अब ये सबसे पहले हमें इसका ये देखिएगा ये इधर पिन लगानी है इंच टेप रोकने के लिए, ये देखिएगा व्यूअर्स, ताकि इंच टेप आगे पीछे नहीं हो, इस तरह से पिन इसमें लगानी है। फिर यहाँ से हमें इसकी लेंथ सही करनी है, देखिए 53 के ऊपर इस तरह से निशान हमने ये लगाना है, ये देखिएगा ये निशान इस वजह से लगाया जाता है व्यूअर्स के इसके जो दामन की गोलाई होती है ना ये नीचे नहीं लगे। अच्छा मास्टर साहब, अगर फ्लेयर बड़ा हो तो वो अगर फ्लेयर बड़ा हो तो उसका भी इसी तरह से ये निशान लगाया जाएगा, ये देखिएगा इस तरह से फ्लेयर की देखिए गोलाई इक्वल गोलाई आ गई है इसकी फ्लेयर की। और ये फिर जो है अब आप बताएंगे लगा लिया आपने, अब ये लगा लिया व्यूअर्स, ये देखिएगा अब ये यहाँ पर ऐसे इंच टेप रख कर ये कहाँ कमर का जो ये देखिए सेकंड निशान लगाया, ये सेकंड जो निशान लगाया ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए हिप के निशान तक ये इसको इस तरह से निशान हमने लगाना है, ये देखिएगा ये चीज़ ये इस तरह से हमने निशान लगाया इसका कमर से हिप तक का निशान है ये। अब ये यहाँ से दामन तक का निशान लगाना है व्यूअर्स, ये सीधा निशान आएगा ये,
ये देखिएगा, और अगर इसका दामन बड़ा हो तो फिर वो, अगर दामन बड़ा हो तो सीधा कमर से इस तरह से दामन आएगा, ये देखिएगा, अगर दामन बड़ा हो तो ये आपका फुल अम्ब्रेला बन जाएगा ना, अम्ब्रेला बाया बन जाएगा, फ्लेयर इसका बड़ा होगा। ठीक, इसके बाद जो है व्यूअर्स ये देखिएगा, ये हमने ये फिटिंग का निशान इस तरह से स्केल से इस तरह से फिटिंग का निशान लगाना है सीधा इसका। फिर ये शोल्डर का निशान है, इसको भी इसी तरह से सीधा कर लेना हमें, ये देखिएगा। अब इसकी आर्मोल की गोलाई ये देखिएगा व्यूअर्स, इस तरह से आर्मोल की गोलाई ये देखिएगा। ठीक है, अब हमने इसका आर्मोल नापना है, ये देखिएगा, हमने इसका आर्मोल रखना है 11 इंच, ये देखिएगा, यानी साइज़ के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से आर्मोल होता है। अगर बड़ा साइज़ होगा तो यहाँ से भी ये फिटिंग बढ़ेगी, ये चीज़ बढ़ेगी, आर्मोल भी बढ़ जाएगा इसका। ठीक, गला हमने इसका रखना है 7 इंच, तो इसका हमने 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है इसका। फिर ये स्केल से ये देखिएगा, ये सीधा निशान कर देना है, इसकी कंधी हमने नीचे गिरा दी है। जी मास्टर साहब, इसका गोल गला है जी, ये देखिएगा, इसके 7 इंच के ऊपर हमने ये निशान लगाया है गोल गले का, ये देखिए 7 इंच के ऊपर ही हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब इसका इस तरह से गोल गले का, यानी अगर आप छोटा करना चाहें तो छोटा गला भी कर सकते हैं, 6 इंच पे लगा लें, 6 इंच के ऊपर भी लग सकता है, अगर मजीद बड़ा गला करना चाहे तो बड़ा भी हो सकता है ये गला। अब इसको ये देखिएगा, इंशाल्लाह काटें आप। अब ये मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इस तरह से ही हमने इसको कटिंग किया। सभी बस ये देखिएगा, इसको जो निशान लगाया है ये सिलाई का निशान है, ये देखिएगा, हमने इसको 1/2 इंच इजाफी काटना है इसको। ये पहले 2 पीस लेने हैं, पहले फ्रंट कटेगा इसका जी, 2 पीस लेने हैं ये, जी जी फ्रंट साथ बिछाए जी जी जी, ये देखिएगा, ये इस तरह से फ्रंट के आर्मोल की कटिंग होती है, ये देखिएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिएगा, फ्रंट का आर्मोल काटने के लिए पहले आप इसके फ्रंट को इस तरह से उठाकर ऐसे कैंची चलाएगा, वरना आपसे चारों फ्रंट बैक कट सकते हैं, इसके चारों आर्मोल कट सकते हैं। अब ये हमने ये काट दिया इसका फ्रंट का आर्मोल, इसको इस साइड पे कर दिया, ये देखिएगा। अब ये बैक का आर्मोल हमने काटना है, बैक का आर्मोल जो है ये इससे फ्रंट से छोटा कटता है, इसको ड्रेस ही कहते हैं, ये देखिए। आप दबाओ इसका, ज़्यादा रख देना, 2 इंच रख दें तकरीबन इसका, के अगर ये देखिए, अगर लूज़ करना हो, ये देखिए हमने दबाव इसका ज़्यादा रख दिया है, अगर आपको लूज़ करना हो तो यहाँ से लूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा, हमने लूज़ भी कर सकते जी हैं। जी अब ये देखिए लेंथ इस तरह से कटिंग होगी इसकी, ये देखिएगा। अब ये जो निशान हमने लगाए थे ये सिलाई का निशान है, ये इस तरह से दामन इसका फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए, ये 53 पर इसकी लेंथ तैयार होगी इस तरह से। ठीक है मास्टर। अच्छा, अब हमने इसकी आस्तीनें काटनी है, ये देखिएगा, ये इसकी साइड से जो कपड़ा निकला है इसमें से आस्तीनें निकल जाएगी इसकी, इसको ज़ाया नहीं करना। ये पीस को खोल रहे हैं हम, ये जी, ये इस तरह से इसको खोल कर ये हमने इसको सीधा किया है, ये देखिएगा। मास्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को कहेंगे कि जैसे आप एहतियात से काटे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एहतियात से काटिएगा आप, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं करिएगा आप। अगर कोई चीज़ आपके समझ नहीं आती है आप लाइक कमेंट्स में बताइएगा, हमारा उस्ताद है माशाल्लाह, ये आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। इनका माशाल्लाह वर्ल्ड में नाम आता है इनका उस्तादों में, मेरे भी उस्ताद यही है। थैंक यू मास्टर साहब, आपने इतनी इज्जत दी। और ये है कि व्यूवर्स, आप जो है ये अगर कटिंग ना आपको समझ में आए तो आप मालूम कर लें, ये देखिएगा व्यूवर्स, इस तरह से इसको फोल्ड करना है आस्तीनों को। ठीक है, अब इसका आर्मोल हमने रखा था 11 इंच, ये देखिएगा व्यूवर्स,
ये इस तरह से इसकी इंच टेप से इसकी आर्म होल की गोलाई देनी है, ये देखिएगा, ये 11 इंच के ऊपर, ये देखिएगा। अच्छा ये भी आप बता सकते हैं ना, जैसे आपने ये लगाए पहले निशान अगर लगा दें 4 इंच पे पहले, अगर हाँ अगर अच्छा समझ आ जाएगा। ये चीज़ हम ये 4 इंच के ऊपर लगा सकते हैं ये निशान, ये देखिए ठीक है इस तरह से, फिर इसका गोलाई भी कर सकते हो आप इस तरह से, 4 इंच से ही आपने गोलाई कर दी। जी जी ये देखिए इस तरह से इसकी गोलाई हो गई है आर्म होल की। ठीक, अब यानी ये निशान लगा के 4 इंच, जी जी 4 इंच के ऊपर। फिर हमने लेंथ, फिर इसकी आस्तीनों की लेंथ है इसकी 22, ये देखिएगा ये 22 इसकी लेंथ हो गई है इसकी। और ये बेल आस्तीन है, सीधी आस्तीन है व्यूअर्स, ये सीधी आस्तीन जी 7 इंच इसकी स्लिप्स मोरी है, सेवन भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। और अगर बटन वाली कुछ गर्ल्स लाइक करती हैं बटन वाली, हाँ जी बटन वाली, फाइव इंच भी होती है, 4 इंच एंड हाफ भी होता है इसका, उसका फिर आगे से बटन लग जाते हैं। उसका फिर मैं आपको व्यूअर्स वो आपको स्टिचिंग में हम वो भी बताएंगे कि वो किस तरह बटन फिटिंग वाली आस्तीनें भी बनती हैं। ये देखिएगा इस तरह से हमने स्लिप्स का ये निशान लगाया, अब इसको भी हमने इसी तरह से कटिंग करना है इसका, ये आधा इंच दबाव रखना है इसका, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा दबाव रख लिया हमने आधा इंच और ये आस्तीन हो गई। अच्छा इसके इसके भी दो पीस कम काटने, जी जी इसके भी सबसे पहले आपको ये बीच में इस तरह से कुटका लगाना है सेंटर का जी, ताकि आस्तीने लगाते वक्त आपको परेशानी नहीं हो। इसके बाद ये देखिएगा ये दो पल्ले लेने ही है फ्रंट के लिए, 4 पल्ले होते हैं ये 2 लेने इस तरह से। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा नीचे के नहीं कटे, ये देखिएगा इस तरह से इसको, यानी ये चीज़ कटिंग करनी है इस तरह से, ये चीज़ देखिए, ये देखें व्यूअर्स, और यहाँ पे भी कुटका लगा देना आप, ये देखिएगा ये इसकी यहाँ पे ये जो निशान लगा हुआ है लेंथ का, इस तरह से ये यहाँ ये कुटका लगा दे ताकि आपको फोल्ड करने में आसानी रहे। और वहाँ पे भी ये जी ये चीज़ देखिएगा, ये यहाँ से इस तरह से कुटका लगा दिए, जी मास्टर साहब आप व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं व्यूवर्स से कहना चाहूँगा आप बहुत ख्याल से कटिंग करिएगा। अच्छा व्यूवर्स अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप हमेशा खुश रहें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें और शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग की किस तरह करते हैं ये आपको बताएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।